सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे कि होली के इस फोटो को किस तरह से एडिटिंग किया जाता है और इसका जो भी बैकग्राउंड एंड पेंजेस होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल फुल एचडी में मिल जाएगा। और दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हो और मेरे पोस्ट को देख सकते हो कि मैं किस तरीके का फोटो एडिटिंग करता हूँ। और दोस्तों, हमारे चैनल पर कोई नहीं आया तो अभी कभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सो दोस्तों, अभी बिना देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। सो दोस्तों, पहले स्टेप में आपको ये वाला बैकग्राउंड लेना पड़ेगा जो कि एकदम फुल एचडी, और ये वाला बैकग्राउंड डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल अब फुल एचडी में आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम जाएंगे ऐड फोटो में, ऐड फोटो में जाएंगे। ऐड फोटो में जाने के बाद हम यहाँ पर मॉडल वाला पिक ऐड कर लेंगे। सो दोस्तों, मैं ये वाला फोटो यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। इसका बैकग्राउंड पहले से इरेज करके रखा हुआ है। अगर आपको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो कि बैकग्राउंड फुल एचडी में किस तरह से एडिटिंग किया जाता है। और हम यहाँ से भी ये क्या हो गया है, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। इरेज करने के बाद हम यहाँ से सीधा सा डन कर लेंगे। तो अभी मैं यहाँ से भी थोड़ा सा डन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ से डन करने के बाद हम जाएंगे यहाँ से ऐड फोटो में। ऐड फोटो में आने के बाद हम यहाँ पर कलर्स वाला पीएनजी यहाँ पर ऐड कर लेंगे। सो दोस्तों, देखिए मैं कौन सा पीएनजी ऐड करता हूँ यहाँ पर। सो दोस्तों, मुझे मिल गया ये वाला पीएनजी, आपको ऐड करना पड़ेगा जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप डाउनलोड करके यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों, इस पीएनजी को मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और अपने सर के ऊपर यहाँ पर हम ऐड कर देंगे इसको, थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ। अभी हम जाएंगे यहाँ से इरेजर में जाएंगे। दोस्तों, इरेजर में आने के बाद हम यहाँ से नीचे का हिस्सा जो है उन हिस्से को हम इरेज कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ से इरेज करने के बाद हम यहाँ से सीधा सा डन कर देंगे। पहले मैं देख लेता हूँ कैसा हुआ। अभी हम यहाँ से डन कर देंगे। डन करने के बाद हम जाएंगे फिर से ऐड फोटो में। यहाँ पर ऐड फोटो में आने के बाद आपको और एक पीएनजी यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। सो दोस्तों, देखिए मैं हम वही पीएनजी फिर से लेंगे जो कि पहले लिया था। इस पीएनजी को हम ले लेते हैं, ये वाला पीएनजी परफेक्ट है। ये वाला पीएनजी लेंगे हम और इस पीएनजी को हम छोटा करेंगे। छोटा करके, छोटा यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा, इरेजर में जाके हम यहाँ पर इरेज कर लेंगे और आपके फेस के ऊपर इसको रखेंगे। सो दोस्तों, देखिए एकदम रियलिस्टिक सा लुक यहाँ पर आना चाहिए। तो अभी हम यहाँ से नीचे का जो हिस्सा है उन हिस्सों को हम इरेज कर लेंगे यहाँ से। तो दोस्तों, देखिए किस तरह से मैं इरेज करता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ से इरेजिंग का काम होने के बाद हम यहाँ से सीधा सा डन कर देंगे। डन करने के बाद हम यहाँ से भी डन कर देंगे। यहाँ से डन करने के बाद हम जाएंगे फिर से ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाकर आपको यहाँ पर एक और पीएनजी ऐड करना पड़ेगा। सो दोस्तों, मैं ये वाला पीएनजी ले लेता हूँ यहाँ पर। इसको हम हेयर पर लगाएंगे, मतलब अपने बालों पर लगाएंगे। इस पीएनजी को छोटा करेंगे और यहाँ पर रख के अभी हम जाएंगे इरेजर में। इरेजर में जाने से पहले हम थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ और परफेक्ट हो गया। अभी हम इरेजर में जाएंगे। बालों के ऊपर जो पीएनजीस आए हैं उन पीएनजीस को हम इरेज कर लेंगे ताकि देखने में एकदम रियलिस्टिक सा लुक आए। सो दोस्तों, अभी हम यहाँ से सीधा सा डन कर देंगे। डन कर देने के बाद हम जाएंगे फिर से ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाकर आपको ब्लर वाला पीएनजी ऐड करना पड़ेगा। ब्लर मैन वाला पीएनजी आपको ऐड करना पड़ेगा। इस पीएनजी को मैं उल्टा कर देता हूँ और हम इसको नीचे खींचेंगे। नीचे लाकर हम यहाँ पर ऐड कर देंगे इस पीएनजी को। सो दोस्तों, ब्लर मैन वाला पीएनजी को ऐड करने के बाद हम यहाँ से सीधा सा डन कर देंगे। डन करने के बाद हम जाएंगे फिर से ऐड फोटो में। ऐड फोटो में आने के बाद हम यहाँ पर फिर से कलर्स वाला पीएनजी हम यहाँ पर ऐड करेंगे। सो दोस्तों, मैं ये वाला पीएनजी ले लेता हूँ। इस पीएनजी को हम बड़ा करेंगे। बड़ा करने के बाद हम यहाँ से सीधा सा सिलेक्ट कर लेंगे। इरेजर वाला आइकन में जाएंगे और अपने फेस के ऊपर जो भी पीएनजीस आएंगे उन पीएनजीस को हम इरेज कर लेंगे। पहले मैं हार्डनेस और ऑपेसिटीज को कम कर लेता हूँ। उसके बाद हम यहाँ से ऊपर से थोड़ा सा इरेज करेंगे और नीचे से भी थोड़ा सा इरेज कर लेंगे। तो दोस्तों, देखते रहिए मैं कहाँ इरेज करता हूँ ताकि देखने में एकदम रियलिस्टिक सा लुक आए, वैसा इरेज करना पड़ेगा आपको। सो दोस्तों, मैं यहाँ पर नीचे से भी थोड़ा सा इरेज कर लेंगे। यहाँ पर नीचे से इरेज करने के बाद हम यहाँ से डन कर देंगे। उसके पहले दोस्तों, देखिए मैं कहाँ इरेज करता हूँ। सो दोस्तों, देखते रहिए। तो अभी हम जाएंगे यहाँ से सीधा सा ऊपर में जाएंगे और हाथों के ऊपर जो भी पीएनजीस आएंगे उन पीएनजीस को हम यहाँ से इरेज कर लेंगे। इरेज करने के बाद हम यहाँ पर भी थोड़ा सा इरेज कर लेंगे। अपने गर्दन के नीचे जो पीएनजीस आए हैं उन पीएनजीस को हम भी इरेज कर लेंगे यहाँ से। तो दोस्तों, अभी हम यहाँ से सीधा सा डन कर देंगे। डन करने के बाद हम यहाँ से भी सीधा सा डन कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे ड्रॉ टूल में। ड्रॉ टूल में जाने के बाद थ्री डॉट में हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर नीचे जाना पड़ेगा, ये बोर्ड साइट आ गया है, इसको आप सिलेक्ट मत करना। हम जाएंगे सीधा ड्रॉ टूल में जाएंगे, थ्री डॉट में क्लिक करेंगे और अपने गैलरी में इस पिक को सेव कर लेंगे। सो दोस्तों, अभी हम जाएंगे लाइट रूम एप्लीकेशन में जो कि कलर एडिटिंग के लिए बहुत ही मस्त ऐप है। सो दोस्तों, यहाँ पर मैं आ गया हूँ लाइट रूम एप्लीकेशन में।
तो दोस्तों फाइनली हमारा पीक यहाँ पर सेट हो गया है। अभी हम जाएंगे सन वाला ऑप्शन में, एक्सक्रोस को कम करेंगे, कॉन्ट्रास्ट को कम करेंगे, या से हाईलाइट को हम यहाँ से थोड़ा सा हाई कर लेंगे। उसके बाद हम शेडोज को लो करेंगे, व्हाइट को थोड़ा सा हाई कर लेंगे, उसके बाद हम ब्लैक को लो कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ से लो करने के बाद हम यहाँ से जाएंगे कलर्स वाला ऑप्शन में, यहाँ से हम कस्टम वाला ऑप्शन लेंगे, उसके बाद हम जाएंगे मिक्स वाला ऑप्शन में। पहले लेंगे हम गुलाबी कलर का ऑप्शन, लुमिनस को हाई करेंगे, सेचुरेशन को लो करेंगे। उसके बाद हम रेड कलर का ऑप्शन में जाएंगे, ह्यू को हाई करेंगे, सेचुरेशन को हाई करेंगे, उसके बाद हम लुमिनस को भी यहाँ से हाई कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ से लुमिनस को हाई करने के बाद उसके बाद हम जाएंगे ग्रीन कलर के ऑप्शन में, ह्यू को थोड़ा सा लो करेंगे, ह्यू को लो करने के बाद हम यहाँ से सेचुरेशन को हाई करेंगे, उसके बाद हम लुमिनस को भी यहाँ से हाई कर लेंगे। सो दोस्तों इतना सा करने के बाद हम जाएंगे यहाँ से पिंक कलर के ऑप्शन में, ह्यू को थोड़ा सा हाई कर लेंगे, उसके बाद हम सेचुरेशन को हाई करेंगे और लुमिनस को भी हाई कर लेंगे। सो दोस्तों देखिए अभी हम जाएंगे स्काई कलर के ऑप्शन में, ह्यू को थोड़ा सा हाई करेंगे, सेचुरेशन को हाई करेंगे और लुमिनस को यहाँ से हाई कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ से लुमिनस को हाई करने के बाद हम जाएंगे डार्क ब्लू वाला ऑप्शन में, डार्क ब्लू वाला ऑप्शन में जाकर हम ह्यू को थोड़ा सा लो करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से सेचुरेशन को हाई करेंगे, यहाँ से सेचुरेशन को हाई करने के बाद हम यहाँ से लुमिनस को भी थोड़ा सा हाई कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर लुमिनस को हाई करने के बाद अभी हम जाएंगे इस यहाँ पर ठीक ही है, और यहाँ पर हम आएंगे येलो कलर के ऑप्शन में, ह्यू को हम यहाँ से लो कर देंगे, उसके बाद हम यहाँ से सेचुरेशन को हाई कर लेंगे थोड़ा सा, सेचुरेशन को हाई करने के बाद हम यहाँ पर लुमिनस को भी थोड़ा सा हाई कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ से लुमिनस को हाई करने के बाद हम यहाँ से सीधा सा डन कर देंगे। डन करने के बाद हम जाएंगे फिर से कस्टम वाला ऑप्शन में, टेम्परेचर को थोड़ा सा लो करेंगे, टिंट को थोड़ा सा हाई करेंगे, वाइब्रेशन को थोड़ा सा लो करेंगे एंड सेचुरेशन को यहाँ से थोड़ा सा लो कर देंगे। यहाँ से लो करने के बाद हम यहाँ से जाएंगे ट्राइंगल वाला ऑप्शन में, शार्पनेस को हम यहाँ पर ज़्यादा नहीं रखेंगे क्योंकि ये वाला क्लियरिटी बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर हम शार्पनेस को 36 रखेंगे। अभी हम यहाँ से मार्किंग को रखेंगे 25। सो दोस्तों देखिए यहाँ पर 25 अभी हो गया है। अभी हम नॉइस को यहाँ पर रखेंगे 15 to 20। तो दोस्तों मैं यहाँ पर नॉइस को 20 ही रख लेता हूँ। अभी हम जाएंगे कलर नॉइस वाला ऑप्शन में, कलर नॉइस को हम यहाँ पर रखेंगे 10 to 15। तो दोस्तों मैं यहाँ पर 10 ही रख लेता हूँ, ठीक है। देखिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर क्लियरिटी आ गया है। सो दोस्तों अभी हम लास्ट स्टेप, अभी हम जाएंगे सर्कल वाला ऑप्शन में, क्लियरिटी को हम यहाँ पर थोड़ा सा हाई कर लेंगे, 12, 16, 18, ठीक है। अभी हम बिगनेट को हम यहाँ पर रखेंगे -26 रखने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्लियरिटी आ गया है और बहुत ही अच्छा एडिटिंग हो गया है। तो दोस्तों अगर आपको इसका एडिटिंग बहुत ही अच्छा लगा तो इस वीडियो को कर दीजिए एक छोटा सा लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में इसी भी धमाकेदार एडिटिंग के साथ, तब तक के लिए बाय।